सो दोस्तों देख सकते हो ये है शाम का व्यू, और अभी शाम का हो गया है 5:30। एंड आप देख सकते हो कि लाइट लगने के बाद कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अभी रात का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, कुछ इस तरह का दिखता है। आज हम लोग शाम में यहाँ पे करने वाले हैं बॉर्न फायर। देखो यहाँ पे, यहाँ से बॉर्न फायर होगा आज रात में। यहाँ पे खटिया वगैरह लगा हुआ है। ये है नदी जहाँ पे लोग ट्रैकिंग करवाते हैं। देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे इन करोगे ना, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे खटिया लगा हुआ है मस्त। इधर भी यहाँ पे खटिया वगैरह लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, जो झारखंड का हमारा जो कल्चर है उसको देखते हुए बनाया गया है ये रिजॉर्ट। तो दोस्तों यहाँ का जो रूम है वो देखते हो प्योर झारखंडी, प्योर मिट्टी का एकदम। आप देख सकते हो पूरा दिख रहा होगा आपको। और देख सकते हो रूम के बाहर यहाँ पे देखो पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टाइल रांची में। और आज हम लोग रांची के टाटी सिल्वे में आ गए हैं और आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाले हैं। हम लोग हैं टाटी सिल्वे में और यहाँ पे एक है ब्यूटीफुल रिजॉर्ट जहाँ पे यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, रिवर ट्रैक एडवेंचर है यहाँ पे। देखो इस तरह के यहाँ पे लोग ट्रैकिंग करवाते हैं, बॉर्न फायर करवाते हैं, इंडोर गेम्स करवाते हैं। और अभी अभी स्विमिंग पूल बना है, तो सारा कुछ दिखाएंगे आपको। और अगर आप झारखंड रांची में आना चाहते हैं, किसी जगह से वीडियो देख रहे हैं, एक ऐसा प्लेस दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप आ सकते हैं, पूरा नाइट आप इन्जॉय कर सकते हैं, बॉर्न फायर कर सकते हैं। और नया साल आने वाला है तो आपके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक जगह ढूंढा जाए और दिखाया जाए। ये जो एरिया है पूरा एकदम जंगल के बीच में है, मतलब सिटी के थोड़ा बगल में है, रांची से 20 किलोमीटर है। सारा कुछ आप देखोगे वीडियो में। तो पहले आप ये देखो यहाँ का लोकेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये है टाटी सिल्वे चौक, जैसा कि आप देख रहे हैं। और टाटी सिल्वे से आपको इधर जाना है सीधा, जो हम लोग लोकेशन अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है। और सीधा इस वे में जाएंगे और आपको आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों टाटी सिल्वे से बढ़ने के बाद, 1 किलोमीटर बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ये, कि देखो सिवा कंस्ट्रक्शन, यहीं से राइट लेना है और जाना है। तो ये रोड सीधा जाती है जोना फॉल, हुंड्रू फॉल, और ये यहाँ से अभी हम लोग राइट लेंगे, देख सकते हो आप इस वे। सो दोस्तों इस रोड में लगभग 5 से 6 किलोमीटर अंदर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो माउंट मैजिक। इसी के अंदर जाना है हमें 2 किलोमीटर और हमें जो ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है हमारा वो मिल जाएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं। ये रोड बहुत ही मक्खन वाला रोड था, बहुत ही मज़ा आया। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, तो गाड़ी वगैरह चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अंदर और चलते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इन करोगे यहाँ पे, आपको यहाँ का लेफ्ट साइड में यहाँ पे मिलेगा कॉटेज जो यहाँ पे रुकने के लिए है। यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखाएंगे जो सारा स्विमिंग पूल है और यहाँ पे जो क्रिकेट मैच होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कॉटेज कैसा है, क्योंकि हम लोग कहीं पर जाते हैं ना तो सबसे बड़ा जो चीज़ होता है हम लोग ये रुकना है, तो वो चीज़ दिखाते हैं आपको। आइए ये देख सकते हो दोस्तों कि हम लोग एकदम। तो दोस्तों यहाँ का जो रूम है वो देखते हो प्योर झारखंडी, प्योर मिट्टी का एकदम। आप देख सकते हो पूरा दिख रहा होगा आपको। और 3-4 रूम भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप आओगे ना, अगर आपको रात में रुकना है, रात में बॉर्न फायर करना है, तो आप पहले बुकिंग कर लेना रूम का, नीचे नंबर मिलेगा आपको, कॉल करके बात कर लेना। और देख सकते हो रूम के बाहर यहाँ पे देखो पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है। आप सामने देखते हो यहाँ पे झारखंडी कल्चर में जो हम लोग एकदम नेचुरल है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फाउंटेन लगा हुआ है। बगल में पूरा हंस वगैरह पूरा खेलते रहते हैं। अब जैसा भी हम लोग लोग भाग गया, तो आपको जो एकदम पूरा जो झारखंडी, जो झारखंड का जो मिट्टी है उसका जो यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा, उसका एक रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा झारखंडी कल्चर में बनाया गया है। तो ये था यहाँ का रूम। और अभी एक्चुअली रूम अभी लॉक है, तो अगर हम लोग मौका मिलेगा तो दिखाएंगे आपको। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं, आपको यहाँ के दिखाते हैं कि यहाँ पे बॉर्न फायर कहाँ पे होता है और यहाँ पे क्या, कहाँ पे बैठने का जगह है और यहाँ पे, अरे पेड़ पेड़। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको, सबसे पहले हमने दिखाया कि यहाँ पे आप रुकोगे कहाँ, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो कैसा है। तो चलिए रेस्टोरेंट हम लोग दिखाते हैं आपको। देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे इन करोगे ना, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे खटिया लगा हुआ है मस्त। इस साइड में यहाँ पे चेयर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ बाहर में बैठ सकते हैं, इधर भी यहाँ पे खटिया वगैरह लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, जो झारखंड का हमारा जो कल्चर है उसको देखते हुए बनाया गया है ये रिजॉर्ट। और ये देखो यहाँ पे, ये है यहाँ का रेस्टोरेंट,
ओपन रेस्टोरेंट है जहाँ पे अपना आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं और इस तरह का गेम खेल सकते हैं यहाँ पे। अभी तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं, वो सब कुछ दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, क्या क्या गेम खेले, क्या क्या हम लोग स्विमिंग पूल में नहाएं, वो सब कुछ दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हो यहाँ पे इस साइड जो है ये है पूरा यहाँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना वगैरह बनता है एंड यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी भी होता है जैसे कि हम लोग आपको बताएं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की और क्या क्या है यहाँ पे। लास्ट में आपको दिखाएंगे यहाँ का स्विमिंग पूल और शाम में आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो बॉन फायर होगा वो। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा पूरी तरह से ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। सब कुछ डालेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी चेक कीजिएगा। तो आइए बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम लोग रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हम लोग आ गए इस साइड। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा ओपन प्लेस है जहाँ पे आप दिन में आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे बहुत ही बड़ा पार्किंग स्पेस है, तो पार्किंग स्पेस का कोई इशू नहीं है। बगल में देखते हो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, तो यहाँ पे भी गाड़ी लगा हुआ, बाहर में भी देखो आप गाड़ी वगैरह पूरा लगा हुआ है, तो गाड़ी वगैरह लगाने का कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग हैं बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में टाटी सिलवे में। इसका लोकेशन एंड ऑल सब आपने देख ही लिया वीडियो में, अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे ज़रूर लिखना एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीज़ दिखाएं, हर एक पार्ट कवर करें। तो आइए ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बैठने उठने का पूरा जगह है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो एंजॉय कर सकते हो। इस साइड आप देखो तो यहाँ पे पूरा बना हुआ है, खटिया लगा हुआ है, हमारा झारखंडी स्टाइल खटिया वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और अभी हम लोग दिन में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप हैं हमारे YouTube फैमिली ना, आपको हमारा सपोर्ट करना बनता है। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को, शेयर जरूर करें दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इतने दूर दूर हम लोग आते हैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा लाइव चल रहा जी। एंड यहाँ पर भी देखिए कि पूरा जो ये जगह है यहाँ पर पूरा बना हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं बिंदास, कोई भी इशू नहीं है। एंड अभी शाम में लाइट जलेगा तो वो भी पार्ट हम आपको दिखाएंगे, या दिन में शूट कर रहे हैं रात का ही पार्ट दिखाएंगे। तो आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ के बाद और क्या क्या है। तो दोस्तों उधर से निकल के हम लोग आ गए इस साइड, यहाँ पे भी देखते हो यहाँ पे भी पूरा बना हुआ है, यहाँ पे होता है बॉन फायर। जी हाँ, हम लोग कोई भी फेक चीज़ें नहीं डाले हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बॉन फायर कहाँ पे होता है, आइए हमारे साथ। तो दोस्तों रात में आज हम लोग शाम में यहाँ पे करने वाले हैं बॉन फायर, तो सोचा क्यों ना आपको पहले दिखाएं। देखो यहाँ पे यहाँ से बॉन फायर होगा आज रात में, यहाँ पे खटिया वगैरह लगा हुआ है, तो ठंडा का टाइम है, हम लोग मस्त आज यहाँ बैठेंगे और बॉन फायर करेंगे। आप भी कर सकते हो, न्यू ईयर आ रहा है, आइए इस जगह पर और इन्जॉय कीजिए, बॉन फायर कीजिए। सारा प्राइस एंड ऑल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देखिएगा। और ये जो जगह है यहाँ पे बॉन फायर के लिए बनाया गया है और यहाँ पे बगल में आप बैठ के रात में जो है ना मस्त देख सकते हो व्यू, सामने लाइट वगैरह चलेगा तो वो भी पार्ट दिखाएंगे आपको। तो ये पार्ट आपको दिखा दिए, चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट कहाँ होता है। तो दोस्तों अब जो आपको दिखाने वाले हैं ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस साइड आप देखो यहाँ पे क्रिकेट आप खेल सकते हो, यहाँ पे देखो अभी इन लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग भी खेलेंगे क्योंकि सबसे पहले मेरा काम है आपके लिए वीडियो बनाना फिर एंजॉय करना। तो यहाँ पे ये एरिया पूरा क्रिकेट खेलने के लिए है, यहाँ पे रेस्टोरेंट से भी आप आ सकते हैं जैसे निकल सकते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको दिखाने वाले हैं जो है स्विमिंग पूल, देख सकते हो ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, अभी अभी बना है, आज इन लोग पानी वगैरह पूरा भरवाएंगे। हम लोग यहाँ पे पूल पार्टी भी करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग स्विमिंग भी करेंगे और हम लोग आपको दिखाएंगे कि सब कुछ बताएंगे कितना कॉस्ट एंड ऑल है। तो ये स्विमिंग पूल है, इसके बगल में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए। तो सबसे बड़ा जो बात होता है वो होता है कि हम लोग स्विमिंग के बाद क्या हमारे लिए यहाँ पे रूम्स हैं जहाँ पे हम लोग कपड़े चेंज कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देख सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे स्विमिंग करने के बाद यहाँ पे पानी का यहाँ पे बना हुआ है, अब यहाँ पे फ्रेश पानी से आप नहाओ, उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम है बगल में, आप देख सकते हो यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करो, मेल फीमेल कोई भी इशू नहीं है, बगल में भी यहाँ पे पानी वगैरह है। तो एक प्राइवेट स्विमिंग आप न्यू ईयर में आप यहाँ पे एक मस्त पार्टी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बॉन फायर कर सकते हैं। रात में जो हम लोग चलेंगे वो रिवर साइड ट्रैकिंग करेंगे जो शाम में, वो आप आगे देखोगे आप। और स्विमिंग का ये पार्ट है यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा स्विमिंग है, बहुत बड़ा भी नहीं है क्योंकि ये जगह जो है वो परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर आप आके पार्टी एंड ऑल इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल हमने जो कवर किया, अब हम लोग पूरा दिन का जो एक्टिविटी होगा वो वीडियो के पार्ट पार्ट में डालेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये जगह। बात करें यहाँ की
प्राइस एंड ऑल की, तो सब कुछ हम लोग मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस आपको ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है हमारे वीडियो को। तो ये कुछ था हमने दिखाया आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ से आज अभी गेम वगैरह खेलते हैं, स्विमिंग वगैरह करते हैं और आपको दिखाते हैं और मिलते हैं। नहीं नाम महिमा वो ब्लॉगर अरे यार कोई आउट नहीं करेगा। चलो बोलो हिंदी की इंग्लिश अलग ज्यादा सही रहता है। चिकन चिली पनीर हां बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम लोग चेस करेंगे। चलो चलो चेस करेंगे। अपना अपना स्किल सेट करो। तो दोस्तों अभी हमारा क्रिकेट तो अभी हमारा क्रिकेट गेम उधर हो रहा है, इधर लग गया है खाना। ये जो आप खाना देख रहे हो ना, ये आज हम लोग के लिए स्पेशल लगा हुआ है। मतलब आज यहाँ पे हम लोग का मीटअप है तो ये हम लोग के लिए है। आप यहाँ पे आपको जो नॉर्मल कुजीन जो मिलता है वही मिलेगा। और आज देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या फूड है। देख सकते हो यहाँ पे राइस, ये है क्या, ये जीरा राइस है शायद। एंड कुछ इस तरह का फूड है यहाँ पे सबके लिए। देख सकते हो ये दाल है एंड पनीर वगैरह, पनीर की सब्जी है ना भैया, ये पनीर है पनीर। एंड वेज एंड नॉन वेज में ये है चिकन। और आप इनसे मिलो, ये है फूड ब्लॉगर। अपना आईडी बताओ। इन मूड ऑफ फूड। और बहुत सारे यहाँ पे फूड ब्लॉगर आए हुए हैं तो आप सभी को देखोगे। तो कुछ कुछ शॉर्ट्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इधर है हमारा सैयद असद ब्लॉग। तो कैसा लग रहा है? पानी तो जब गरम आ रहा है। गरम आ रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कैसा लग रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। पानी के काम में पानी चला गया है। और बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब कि बहुत मजा आ रहा है। और ये अभिषेक, ये बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाता है तो आप इसको भी, इसके वीडियोस को भी देखो। एंड यस डू सब्सक्राइब। क्या नाम है चैनल का आपका? अभिषेक, अभिषेक, इसका लिंक नीचे मिलेगा। एंड दोस गाइस सैयद असद व्लॉग। एंड मजा है ना, मजा है। तो अभी ये ना स्विमिंग पूल अभी ये स्टार्ट हो रहा है इसलिए पानी कम है, बट आप जब इस जगह पे आओगे ना तो आपको पूरा पानी देखने को मिलेगा। भैया आप अपना आईडी बताइए ना एक बार। आदित्य बी सिंह। तो भैया अभी यहाँ पे, भैया यहाँ पे लाइव म्यूजिक कर रहे हैं, अब इनको जरूर फॉलो करना। एंड ये कुछ था स्विमिंग पूल का शॉट जो हमने आपको दिखाया। तो दोस्तों अभी आपने लाइव म्यूजिक करके जिनको देखा था, जो लाइव म्यूजिक कर रहे थे वो अभी देखो आप यहाँ पे हैं हमारे साथ। एंड
हमारे शो पे आना है तो आज 10-11 बार एट 7 पीएम अभी बस ओके प्रमोशन होगा एंड प्लीज टू विजिट माउंट मैजिका इससे बढ़िया जगह नहीं देखी मैंने अभी तक ये सीरियस होके बोल रहा हूँ नहीं नहीं सच बोल रहे हो आप सही बात है और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इस रिवर भी है होराव जंगल के बीच में हम लोग यहाँ पे भी आपको लाया जाएगा और यहाँ पे भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो तो अभी शाम हो गया है लेकिन अगर दिन में आते तो हम लोग आपको दिखाते देखते तो यहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर हैं एंड ये है नदी यहाँ पे लोग ट्रैकिंग करवाते हैं तो राहुल ट्रैकिंग करने वाले हो तुम अभी देखो नहाने के बाद कैसे हमारा ठंडा हो गया है इसका पूरा सर दर्द दे रहा है ना कितना मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने के लिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो यस एंड अभी देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का था तो हमने दिखाया आपको तो चलिए यहाँ से निकलते हैं हम लोग और आई होप कि आपको मजा आया होगा आपको यहाँ पे भी आने को मौका मिलेगा अगर आप यहाँ पे आते हो माउंट मैजिक तो सो दोस्तों देख सकते हो ये है शाम का व्यू और अभी शाम का हो गया है 5:30 एंड आप देख सकते हो कि लाइट लगने के बाद कितना ही खूबसूरत लग रहा है कुछ इस तरह का हम देखो देख सकते हो मिस ब्लॉगर इनको मेरा नाम भी नहीं पता ओह गॉड नाम बताओगे तब तो पता रहेगा ना तो दोस्तों ये शाम का व्यू है और जैसे कि आप देख रहे हो कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ पे और इस जगह पे आप देखो यहाँ पे होता है बॉन फायर अभी रात में तो अगर आप यहाँ पे नाइट में आते हो और जो सारा यहाँ का जो प्लान है सारा का जो मेन्यू है वो सब नीचे मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अच्छे से देखना और अच्छे से पढ़ना और प्लान करना है यहाँ पे आने के लिए और नीचे आपको नंबर भी मिलेगा तो वो भी आप देखना एंड कुछ इस तरह का देखो व्यू है ये देखो दोस्तों ये देखो ये है स्विमिंग वाला एरिया अभी रात का व्यू दिखा रहा हूँ आपको कुछ इस तरह का दिखता है बहुत ही खूबसूरत लाइट अभी हम लोग यहाँ पे ही नहाए थे तो आप देख सकते हो कि अभी पानी भर जाएगा ये रात में पूरा एंड कुछ इस तरह का व्यू है सारा कुछ हमने दिखाया होप कि आपको मज़ा आया होगा एंड ज़रूर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को इस जगह पर ज़रूर आओ बहुत ही मज़ा आएगा आपको बॉन फायर वगैरह करने के लिए एंड आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं आई होप कि आपको मज़ा आया होगा एंड सी यू गाइज़